श्री गणेशाय नमः, सरस्वती माता की जय। आप लोगों को मैंने राजा नल का भाग 8 में बताया था कि जो गंगाधर पंडित ने षड्यंत्र रचा था जिससे रानी मंजा को वनवास हुआ था, कि जो फिर उसके बाद में आपको ले चलते हैं अगले एपिसोड, इसमें राजा नल का राज तिलक होगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आपको बताते चलें, जब ब्राह्मण देव राजा नल जो ब्राह्मण का रूप व्रत का रूप धरे थे, वो कथा सुना रहे थे कि जब आप महाराज आपने आदेश दिया कि रानी मंजा को मरवा दिया जाए, फिर चिंतामन जल्लाद को बुलाया और चिंतामन जल्लाद ले गया, मगर उसके रहम और करम से कि उसने मुझे मारा नहीं और वहीं पे छोड़ दिया, और वो रानी मंजा के कपड़े ले आया और हिरण की आंखें मार के आपको दिखा दिया, आपने फेंकवा दिया। ऐसा आप राजा को बहुत गुस्सा है कि पंडित को मरवा दिया जाए, और रानियां 100 रानी इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी इतनी अच्छी रानी थी रानी मंजा, उसका भी कहीं पता नहीं किस अवस्था में होगी, शेरों ने खा लिया होगा उसे। आप विचार करने लगे, राजा बोले से मरवा दिया जाए, नहीं। ब्राह्मण जी कहने लगे, नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको बोलना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल शांत बैठे। अब इतनी कथा मुझे मालूम है, इतनी कथा मैं कल सुनाऊंगा, आगे की पता नहीं। तभी राजा कहने लगे, नहीं, आपको कथा पता है, मुझे सुनाओ। अगला दिन हुआ, फिर सुनाने लगे और गजमुतनी हाथ पकड़ लिया राजा नल का जो व्रत थे, कि आपको कथा पता है, आप सत्य कह रहे हैं, आप सुनाइए। श्रोता, फिर राजा नल कह रहे हैं कि जो शीश के ब्रज के नीचे चढ़े आए, वहाँ जन्म राजा नल का हुआ, उसके बाद में उनके पास पीने का दूध नहीं था, फिर शेरनी ने राजा नल को दूध पिलाया, फिर उसके बाद में दक्षिणपुर के राजा लच्छू सेठ के यहाँ अपनी रानी मंजा को वो ले गए और अपनी धर्म की पुत्री बनाकर उसके बाद में रहने लगे, उस चलते रहे। उसके बाद में जो फूलचंद्र और पन्नालाल, जब राजा प्रथम ने उन्हें आदेश दे दिया कि इस 15 गोट को आपको लाना है और इस मोचनी को पहनने वाली को भी लाना है। श्रोताओं, राजा जो वृद्ध ब्राह्मण देव थे, वो कह रहे थे कि अगर ये नहीं मिली मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर राजा नल उनके साथ चल देते हैं। अब फूलचंद पन्नालाल मन में विचार कर रहे हैं, इसे तो मेरी पूरी जन्म कुंडली मालूम, ऐसा तो नहीं जो मुझे मरवा देगा। उसके बाद में जब राजा नल पहुंचे, बांग घुमा सुरदानी की पुत्री से शादी की, उसके बाद में वो लेके आए। जब लेके आए गजमोतनी को भी साथ में लेके आए, अपनी पत्नी को, उसके बाद में मामाओं ने कहा, कहाँ है बेटा वो गोट और पोचनी कहाँ की? राजा नल ने कहा, मैं गोजनी पहनने वाली भी लाया हूँ और गोट भी लेके आया हूँ। अब फिर उसके बाद में चल देते हैं राजा नल को लेके समुद्र के रास्ते जहाज पे बैठा कर। फूलचंद पन्नालाल विचार मन में करते हैं कि अगर इसने जब भूमासुर भगवान भोले के बरदानी को मार डाला तो मुझे भी मार सकते हैं। फिर उसके बाद फूलचंद पन्नालाल ने राजा नल को समुद्र में डाल दिया। अब तो राजा जो वीर सेन थे, वो पछाड़ खाकर गिर गए कि उनकी मृत्यु हो गई। अब ब्राह्मण देव कह रहे, मुझे आगे की कहानी नहीं पता है। फिर से सभी लोग कहने लगे, ब्राह्मण देव आप कहानी सुनाइए, आगे कुछ नहीं होगा। फिर राजा होश में आए तो ब्राह्मण देव कहते, राजा नल के गले में जो 7 मणियों की माला थी नांगलोक की, वो सीधे पानी काटते हुए नांगलोक के चले गए। उनके लिए तत्रक्षक नांगलोक के जो वासु राजा उनके सेनापति, उसने ढस लिया, 7 दिन तक पड़े रहे, उसके बाद में उन्हें जिंदा कर लिया। फिर राजा ऊपर आए, फिर गजमोतनी समझ लग गई कि है ना कोई है, सिर्फ राजा नल ही हैं। गजमोतनी ने वृद्ध का जो ब्राह्मण देव था उनका हाथ पकड़ लिया और राजा से पहले कह दिया था, किसी को तुम सजा नहीं दोगे, जो उसने जो कर्म था वो बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद में फिर जो फूलचंद्र और पन्नालाल लेके गजमोतनी को यहाँ आ गए। उसके बाद में जो शादी का आपने झांसा रचा है कि आपको जो राजा नल की कथा सुनाएगा तो वो ही शादी करेगा, कितने भी विद्वान आए, किसी ने राजा नल की कहानी नहीं सुना पाई। तो मुझे पता लगा, मैं आया, मैंने कहानी सुनाई राजा नल की। तुरंत गजमोतनी ने अपने
वृद्ध जो ब्राह्मण देव का उनके हाथ पकड़ लिया कि आप राजा नल हो, क्योंकि 14 विद्या अंधान थी, जादूगरनी थी, उसे सब पता था, महाकाली की भक्त थी। श्रोताओं, फिर राजा बोले आप कौन हो, तो पहचान लिया जो रानी मंजा थी, उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई नहीं है, सिर्फ राजा नल है। अब राजा की जो 100 रानियां थी उनके धुकर पुकर हो रही, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर जो राजा ब्राह्मण देव थे वो अपने उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल के दाएं हाथ में पहची, फिर वे सुंदर से एक नव युवक राजकुमार बन गए। फिर उन्होंने बहुत धूम धड़ाके से शादी की, फिर राजा नल का राज तिलक कर दिया गया। बड़े हर्षोल्लास से सभी लोग रहने लगे, मगर राजा से कह दिया किसी को कोई सजा नहीं दोगे, नहीं किसी को निकालोगे, क्योंकि इसमें सभी लोगों का कर्म है, सभी लोगों ने अपनी मर्जी से ठीक किया है। उधर गंगाधर मन में विचार कर रहे हैं मुझे भी सजा होगी, मगर किसी को सजा नहीं हुई। श्रोताओं, इसमें भाग में मैंने राजा नल का राज तिलक करता कैसे राजा नल बचे थे बहुत संक्षेप में मैंने बताया, अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। आगे मैं फिर भाग ले जाऊँगा, अगर आपको कोई भी कहानी सुननी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी कहानी आप तक पहुंचाने का कष्ट करूंगा। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।